एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा क्रिएशन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ड्राई स्किन में मेकअप कैसे करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए वो प्रोडक्ट को, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली बताऊंगी। सो गाइस, मेकअप को यूज़ करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फेस का क्लीनअप। तो या तो आप फेस में वाइप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप फेस वाइप का यूज़ नहीं करें तो ही अच्छा होगा। आप कोई भी अच्छा सा ब्रांड का या नॉर्मल जो भी अच्छा फेस वॉश होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। और मैं यहाँ पे फेस वॉश कम्प्लीट कर चुकी हूँ और मैं यूज़ करती हूँ गार्नियर ब्राइट कम्प्लीट विटामिन सी फेस वॉश। अब जो सेकेंड स्टेप यूज़ करने वाली हूँ वो है सेटिंग स्प्रे। तो हमारे फेस के पीएच बैलेंस को लेवल में रखने के लिए हमें यूज़ करना है सेटिंग स्प्रे को। सेटिंग स्प्रे का यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। ऐसे सेटिंग स्प्रे को लेना है, इसे हल्का सा इसे शेक कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा दूर में ले जाकर आइज को क्लोज करिए, उसके बाद अपने फेस में पूरे फेस में अच्छे से स्प्रे करना है। अब इसे 10 से 15 सेकंड का टाइम दीजिए, ये खुद एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस, किसी भी मेकअप का जो मेन स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइजर। वैसे कई लोग कहते हैं ना कि हाँ मेरा मेकअप कैकी हो गया, ग्रे पड़ रहा है या पोर्स दिख रहे हैं या मेकअप फट रहा है, कैकी हो रहा है, तो वो क्यों होता है? या आप अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे, या फिर आप मॉइस्चराइजर एक्सेस अप्लाई कर ले रहे हैं, या आप मॉइस्चराइजर कम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपने स्किन के टाइप के मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये भी अच्छा मॉइस्चराइजर है, इससे आपको अब काफ़ी देर तक आपको हाइड्रेशन मिलती है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी हद तक हाइड्रेट हो चुकी है। 2 मिनट तक वेट करिए। 2 मिनट के बाद आप अपने हाथों की फिंगर की हेल्प से आप इसे ऐसे ऐसे टच करिए। अगर आपके मॉइस्चराइजर अगर ज़्यादा होगा तो आपके हाथ पे लग जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से परफेक्टली बैठ चुका है, इस वजह से मेरे मॉइस्चराइजर फिंगर पर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से स्लिप कर जा रहा है मेरे हाथ। तो ये है मेरा परफेक्ट मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। प्राइमर को स्किप मत करिएगा। प्राइमर आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो प्राइमर को आपको लगाना है और लगाना ही है, इसे स्किप मत करिएगा। सो गाइस, मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है तो मैं नॉर्मल हाई कवरेज कंसीलर अप्लाई करूंगी। तो ये है मेरा नॉर्मल हाई कवरेज कंसीलर। कंसीलर को अपने डार्क एरिया पर लगाने के बाद यूजली आप 15 से 20 सेकंड का वेट कर लीजिए, उसके बाद एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और अब इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में जिस फाउंडेशन में लिखा रहता है ये हाइड्रेटिंग है, इल्यूमिनेट है या ये HD ग्लो देता है, वही फाउंडेशन लेने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए। मैं अपना कंसीलर बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का फाउंडेशन लगाऊंगी, देखिएगा। उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए।
उसके बाद मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा साफ दिखलाना है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा यूज़ करूँगी कॉन्टूअर। सो हियर इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भर भर कर शेयर करिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।